आपने देखा, ऑर्डर मिलने पर गांव में सब खुशी खुशी नाच गाना कर रहे हैं और अच्छा गरबा करने के लिए धर्मराज संतों को विजेता घोषित करते हैं। शराब के नशे में नाचते हुए मौलिक से मोंगी कुएं में गिर जाती है, जिसे देख संतो चौंक जाती है और मौलिक वहां से भाग जाता है। तारुलता ये जानकर गुस्से में आ जाती है कि मौलिक शराब पीता है और मौलिक को थप्पड़ मारती है। हितेन खुद कुएं में कूदकर मोंगी की जान बचाता है। होश आने पर मोंगी बताती है, किसने मोंगी, किसने तेरा हाथ छोड़ा मोंगी? मौलिक भाई। और ये सुन सब दंग रह जाते हैं। अब आगे आपकी बहुत कृपा है कि आप मूंगे की जान बचा ली, पर समझ नहीं आता आप क्या करो। अगर मैंने मालिक को बता दिया कि मौलिक भाई ने शराब के नशे में मूंगे को कुएं में गिरा दिया, तो पता नहीं मालिक मौलिक भाई को कौन सा दंड देंगे। और इस बार वो किसी को भी उनका दंड लेने नहीं देंगे। और अगर मैंने उनसे ये बात छुपा कर मौलिक भाई को बचा भी लिया, तो दिन पे दिन शराब की लत बढ़ जाएगी, वो शराब के आदी हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। भगवान बचा लेना, वही रास्ता दिखाना मुझे जो सही हो। ए छोकरी, बापूजी ने मुझे बताया कि तारी बहन कुएं में गिर गई थी, अब कैसी है वो? जी, उसे होश आ गई, पर वैद्य ने उसे आराम करने के लिए कहा। पर वो कुएं में गिरी कैसे, कुछ बताया उसने? प्रश्न पूछा ना मैंने उससे। जी, वो सो गई थी, कुछ बता नहीं पाई। ठीक छे, किसी वस्तु की जरूरत हो तो बता देना, वैसे उसकी दवा पानी का बंदोबस्त तो कर दिया है मैंने। अरे तू यहाँ क्यों सो रही है, कोठरी में सोती थी ना तू? तो जी, उस चोरू में मालिक भाई है तो मियाँ। अच्छा, तू यहाँ नहीं सोएगी, तू चल मेरे साथ। जल्दी कर, ये हमारा अतिथि कक्ष है। अरे शू थे, अंदर आओ ने, कि निमंत्रण देना पड़ेगा। दरा, आज से तुझे वहां मंदिर के आंगन में वहां धरती पे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अने त्याग वहां कबाट में चादर है, बिछा लेना। गर्मी होती है कमरे में, लगे तो खिड़की खोल लेना, हवा आती रहेगी। पर मैं तुझे ये सब क्यों बता रहा हूं?
मालूम होगा ना तुझे सब कुछ। चलो बे, रात बहुत हो गई है, सो जा। उन्हें कल से मैं नहीं आऊंगा तुझे छोड़ने, खुद ही आ जाना। इतना नरम बिस्तर है कि नींद ही नहीं आ रही है। आशु करे जे दर्द हो रहा है तो लेटे रहो। मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं हल्दी का लेप लाई थी, इसे जख्म पर लगा लोगे तो आराम मिल जाएगा। क्या हुआ? बहुत जल रहा है मुझे, अब इसे मत लगाओ। हल्दी का लेप है, अभी थोड़ा जलेगा पर बाद में आराम मिलेगा। पहले कभी चोट नहीं खाई? चोट तो बहुत खाई है मैंने, पर ऐसा उपचार और ऐसा लेप पहले कभी नहीं मिला मुझे। हमारे देश में सब लोग चोट पर यही हल्दी का लेप लगाते, तुम क्या विदेश से आए हो? विदेश से तो नहीं आया, पर वहाँ अक्सर जाया करता हूँ। तुम कभी विदेश गई हो? पर देखा जरूर है विदेश, सरला मौसी की टीवी पर। मेरा भी सपना है कि मैं एक बार विदेश जाऊं हवाई जहाज में, नाना जी, संतूर, मूंगी और बूढ़ी को भी साथ में लेके जाऊंगी। बूढ़ी और वो भी प्लेन में? क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे सब पता है, बड़े लोग अपने साथ कुत्ता ले जा सकते हैं तो हमारी बूढ़ी क्यों नहीं जा सकती? बस कुत्तों से थोड़ी बड़ी ही तो है, पर परेशान तो नहीं करती और काटती भी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बूढ़ी वैसे भी इतनी बड़ी है ही का, साथ ले जाना उसे। और सही कहा तुमने, क्यों काटती का। पर एक और काम कर, वो अपने साथ चक और कुछ मिट्टी ले जा, ट्रेन में जाते जाते थोड़ी कुलड़िया भी बना लेना और साथ ही साथ पैसेंजर्स को भी बेच देना, पैसे भी मिल जाए। लेप लग गया और जला भी नहीं। नाना जी कहते हैं
अगर चोट से ध्यान भटका दो ना तो दर्द कम होता है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। ए भटकती आत्मा, कहाँ घूम रही है? हाँ, ये गेस्ट रूम में किसकी इजाजत लेके गई थी? मीनबा, तो मालिक ने कहा था तुम्हें? मालिक ने कहा था? बहुत उड़ने लगी तू तो है? पर आ गए तेरे नान का की चमची। एक बात याद रख, इस घर में मेरी मर्जी के सिवाय इधर उधर मंडराना नहीं। मीनबा वो जा बेटा, मैंने छाछ रखी है वो पी ले, और समय से कारखाने पे जाना। जा गांव से कब आई तू? मैंने सुना तेरी तीसरी बहन कुएं में गिर गई है के? रात को थोड़ी देर में उसे होश आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदा है? अच्छा चलो, देख रात गई बात गई। रात का अंधेरा दिन में फैलाने से तेरे हाथ में क्या लगने वाला है कि नहीं? देख, तू जो बात मुझे बोलना चाहती है ना, वो मुझे पता है। मेरे बच्चे ने अनजाने में किया है, जानबूझ के नहीं किए, बात भूलोगी उसे? मीनबा, आप सब कुछ जानती थी तो? तेरा मुंह है ना, बहुत खुला रहता है आजकल, खाली जबान बंद रख। मालिक के बुलावे में मत रहे हैं? क्योंकि इस घर में मेरा हुक्म चलता है। और एक बात, तेरी जो बहन है ना जो बच गई है, वो चुईया बच गई, इसलिए कोड़ियार माँ का शुक्र मना। 11.25 रुपए दे देती हूँ तुझे ना? तेरी बहन लुढ़क नहीं गई ना, इसलिए प्रसाद चढ़ाना। और एक बात, अगर किसी को भी मेरे मौलिक के बारे में पता चला ना तो तू तो जानती है स्टोर रूम में मैंने तेरे साथ क्या किया था। तेन भाई, चोट पहुंची ना, मुझे भी उतनी ही पहुंची, क्योंकि मेरा भाई कायर हो ये मैं मान नहीं सकता। चल नहीं सकता। कहा किया क्या मैंने? क्या कहा? क्या किया तूने? क्या नहीं किया है तूने? जब पहली बार तेरे हाथों से मूंगी की मावड़ी मरी तब तू चुप रहा, किसी को कुछ नहीं बताया। समझ सकता हूं कि तू उस समय तू डरा हुआ,
उसके बाद जब उस गाय की हत्या मेरे माथे पर आई तब भी तूने किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा कि तुझे एक और मौका दे दूं, इसीलिए तेरा दंड मैंने काटा। इसलिए नहीं कि मैं तुझे दंड से बचाना चाहता, बल्कि इसीलिए काटा कि शायद तू अपने भाई को अपना दंड काटते देखकर तेरी आंखें खुल जाए। पर नहीं, तू तो कभी सही रास्ते पर आ ही नहीं सकता। कल रात भी तूने वही हरकत की, अपना ये मुंह छिपाकर भागा था उसे एक कायर की तरह। शर्म नहीं है तुझे? इतनी सी भी शर्म नहीं कि अपनी अपराध की क्षमा मांग ले जाकर? किस बात की क्षमा मांगू मैं? ढोंग मत कर मौलिक, मुझे सब सच पता चल गया है। अब मेरी एक बात सुन, मिस्टर मायावंशी अभी इसी फैक्ट्री में, अब तय तुझे करना है कि तू आज उस कैबिन में उनके सामने जाएगा या मेरे साथ चलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मेरा हाथ छूट गया और वो कुएं में गिर गई। फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरी मोगी बच गई बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मौलिक भाई नहीं भी आते तब भी मुझे कोई मलाल नहीं था। नहीं नाना जी, जब तक मौलिक अपने भूल के लिए क्षमा नहीं मांगता मुझे तसल्ली नहीं होती। गेट वेल सून। क्या कहा तुम अंग्रेजी में मुझे गाली दे रहे हो? नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। चल अब मुझे वो तेरी भूरी को भी घास खिलाना है, नहीं खिलाओगा ना तो तेरी तरह इस घर को पूरी तरह सर पे ले लेगी। तेरी बहन कैसी अब? कुछ बताया कैसे गिरी थी कुएं में? मालिक वो कुएं में गिरी मौलिक भाई के कारण। समझते क्या तू अपने आप को? हाँ बच गई ना तेरी बहन। जाकर हितेन भाई को क्यों बोला कि मूंगी मेरी वजह से कुएं में गिरी थी? तेरी वजह से अपने ही घर में उस स्टोर रूम में रह रहा हूं मैं, और चाहिए क्या तुझे? मौलिक जाओ तुम अंदर जाके खाना खाओ, मैं निपटती हूं इससे। दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, चरित्र दिखा रही है अपना। मैंने कहा था ना कि नानका के सामने कुछ मत कहना, केन के सामने जाके उल्टी की तूने। पर पिनबा मैंने कुछ नहीं बताया, वहां मुंगे को होश आया, वहां हितेन भाई भी थे। हितेन भाई ने मुंगे से पूछा तो उसने बता दिया। पिनबा मुझे खुशी है कि आप अपनी भतीजों से इतना प्यार करती है, पर एक बात का दुख भी है। अब मौलिक भाई को अपना बेटा मानती है पर उनकी बड़ी से बड़ी गलती से मुंह फेर लेती है। जहाँ आपको उन्हें डांटना चाहिए समझाना चाहिए वहाँ आप उन्हें सह देती है। पता है आपको मौलिक भाई बिगड़ रहे, शराब की लत लग चुकी उन्हें। अच्छा अब तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। और तू
ये सब बता के मुझे क्या 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 बोलना क्या चाहती है? हा? नहीं बहन माँ वो चुप रहे नान का आ रहा है। अरे नानका मैं चाय बना के लाऊं? नहीं मन नहीं। ए छोकरी तेरी बहन कैसी अब? कुछ बताया कैसे गिरी थी कुएं में? मालिक वो कुएं में गिरी मालिक भाई के कारण। मालिक के कारण? मालिक मेरे को गलत मत समझना, दरअसल वो एक दुर्घटना थी। मुंगी मौलिक भाई के साथ खेल रही थी, खेलते खेलते उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गई। हाँ भले दुर्घटना थी, पर दुर्घटना हुई तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए ना। हितेन कुएं में कूदा तो मौलिक क्यों नहीं कूदा? नान का बच्चा है मौलिक, वो डर गया होगा इसलिए वो वहां से निकल गया। जी एक बात मुझे, मैं मानता हूं कि मोह साकर जैसा होता है। जीवन में मोह होए तो जीवन मीठा होता है, पर ज्यादा मीठा खाने से सेहत खराब हो जाती है मोटी बहन। इतना मोह भी नहीं करना चाहिए कि आदमी भले बुरे के बीच का अंतर भूल जावे, इससे भविष्य बिगड़ सकता है। मुंगी के कुएं में गिरने की बात तो फिर भी आज दब गई, पर अगर शराब के नशे के कारण मालिक भाई कहीं और बिगड़ गए तो क्या आपके अंदर बैठी मां सहन कर पाएगी? मैं तो छोटी हूँ, मेरी कही हुई बात आपके कुछ मायने नहीं है, पर मालिक ने जो कहा है उस बात पर सिर्फ एक बार ध्यान दीजिए। पैनबा मुंगे के लिए तो मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद रह सकता है, पर डर इसी बात का है कि अगर मालिक को मौलिक भाई की लत के बारे में पता चले तो कहीं वो इस घर के दरवाजे मौलिक भाई के लिए हमेशा के लिए बंद ना कर ले। पर ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का मांगलिक भी है और कुंडली भी मिल गई है, बस एक बार खेमी हा कर दे तो ये बात पक्की समझो।